नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। हर घरों पर लहरा दो तिरंगा प्यारा, ये स्वाभिमान हमारा, ये नारा इन्होंने ही दिया है। मोहम्मद रियाजुद्दीन आज हमारे साथ जुड़े हैं और हम इनके बारे में थोड़ा सा परिचय करवा देते हैं। दरअसल तिरंगा यात्रा के बारे में हम सभी जानते हैं। इन दिनों तिरंगा यात्रा काफ़ी चर्चे में है, काफ़ी प्रचलन में भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत बिहार से ही हुई थी और कुछ सालों पहले इसकी शुरुआत मोहम्मद रियाजुद्दीन जी ने ही की थी। और एक संकल्प था, एक उद्देश्य ये था कि लोग तिरंगा के प्रति और ज़्यादा जागरूक हो सकें। मोहम्मद रियाजुद्दीन ये चाहते हैं कि तिरंगा जो हमारी मान है, जो हमारा स्वाभिमान है, हमारा शान है, उसके प्रति और ज़्यादा सम्मानजनक बातें होनी चाहिए और जो थोड़ी बहुत गलतियाँ हम सभी से होती हैं वो गलतियाँ ना हो। क्या वो गलतियां होती हैं और उस गलतियों को किस तरह से रोका जाए, इस पे आज हम बात करेंगे। साथ ही सरकार से एक अपील भी मोहम्मद रियाजुद्दीन करेंगे। सबसे पहले सर, हम ये चाहते हैं कि जो हमारा स्वाभिमान है, हमारा तिरंगा, जिसके लिए कई देश के लाल सरहदों पर लड़ते हैं भारत माता के लिए, अपने तिरंगे की रक्षा के लिए, हमारे स्वाभिमान के लिए, और ऐसे में कभी कभार ऐसी होती है कि छोटी थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, कैसे उन गलतियों को रोका जाए जिससे हमारे तिरंगे का अपमान ना हो सके। तिरंगे का अपमान ना हो, इन गलतियों को रोकने के लिए सबसे पहले हम लोग जागरूकता अभियान के तौर पे हम अपने राष्ट्रीय ध्वज के महत्व को बताएंगे, अपने देशवासियों को इस बात को बताएंगे कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे बलिदानों से सींचा गया, वो एक बहुमूल्य चीज़ है जिसकी कीमत नहीं होती है। आज लोग ये कहते हैं कि तिरंगा झंडा 15 रुपये में 20 रुपये में और 25 रुपये में मिल रहा है। मैं इन बातों पर विराम लगाना चाहता हूँ। हमारे राष्ट्रीय झंडे की कोई कीमत नहीं, अमूल्य है। आप कृपया ऐसी बातें ना करें। आप कहें इसकी सम्मान राशि, आप अगर कहीं जाएं तो तिरंगा को लेना हो तो आप कहें कि इसकी सम्मान राशि क्या है, क्योंकि ये बड़ा पवित्र है। हमारे हम सभी भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। राष्ट्रीय झंडे को देखने के बाद हमारा मनोबल, हमारे सीने गर्व से चौड़े हो जाते हैं। हमें एक अद्भुत अनुभूति होती है, हमें गौरवान्वित फील करते हैं कि हम राष्ट्र के झंडे के सामने खड़े हैं या राष्ट्र का झंडा हमारे हाथ में है। और इसी उद्देश्य से हमने एक कार्यक्रम कई वर्षों से चला रखा है, जिसमें हमने देश में ये नारा दे रखा है, हर घरों पर लहरा दो तिरंगा प्यारा, ये स्वाभिमान हमारा। इस उद्देश्य को लेकर के हम इन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। हम एक रिक्वेस्ट और अपील कार्यक्रम चला रहे हैं कि ये आप लोग जो झंडा है वो सरकारी संस्थानों, स्कूल और कॉलेजेस तक सीमित ना रह जाए, बल्कि ये हर देशवासी का फर्ज है इसे फहराना, अपने घर पर लगाना और इसे सम्मान देना। हम तो इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो भारत सरकार ने दिया है 13, 14, 15 का कार्यक्रम को, हम ये तिरंगा झंडे का वितरण कार्यक्रम तो करेंगे ही, साथ साथ हम इसको गिफ्ट के रूप में भी देना चाहते हैं कि हमारे घर जब कोई मेहमान आए, मिलने आए, तो इन दिनों आप उन्हें गिफ्ट करें। अगर कोई आए तो उसे अपने देश का सबसे कीमती बहुमूल्य चीज़ हमारा तिरंगा है, हम उसे दें और गिफ्ट करके हम अपने गौरव का अनुभव करें। हम देने वाला भी गौरवशाली महसूस करें और उसे लेने वाला भी, हम दोनों के लिए ये गौरव का विषय है कि हम भारतीय झंडे कोई हमें देता है और हम ये लेते हैं, ये गौरव का विषय है। और हम इसको सम्मान राशि के रूप में इसको खरीदें, ये हमारे साथ होना चाहिए। मतलब जब हम बाजार जाते हैं और जब हम तिरंगा खरीदते हैं तो हम ये पूछते हैं कि इस तिरंगे की क्या कीमत है, ये बिल्कुल गलत शब्द है। हाँ, ये इन शब्दों का आप प्रयोग ना करें। आपको कहना है इसकी सम्मान राशि क्या होगी, क्योंकि हम उसकी सिर्फ सम्मान राशि दे सकते हैं, हम उस झंडे की कीमत नहीं दे सकते। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमारे झंडे की कीमत लगा सके। बिल्कुल, इन दिनों रियाजुद्दीन जी भाई ये मिशन चलाया जा रहा है जिसमें हर घर में तिरंगा लहराने की बात कही जा रही है। हाँ। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है, हर लोग तिरंगा लगाएं, हमारा ये अपील कार्यक्रम है। लेकिन इस अपील के साथ भय और भावना, ये दो शब्द है। हम किसी को भयभीत ना करें कि तुमने ये झंडा नहीं लगाया है या लगाया है, या डिफरेंसेस किसी बात का नहीं होना चाहिए।
हम उनको ये साथ भावनात्मक लगाव पैदा करेंगे, उन भावनात्मक शब्दों का अनुभव कराएंगे कि ये भारत हमारा है, हम सब ने बलिदान दिया है, जो इस भारत माँ के सुपूत हैं, जो इस धरती पे जन्मे हैं, उन सबों का भारत है और इसमें मजहबी दीवारें नहीं है, मजहब का कोई भेद नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी इस मुल्क में पैदा हुए हैं, जन्मे हैं, जो जो जिनकी मातृभूमि है, उन तमाम लोगों को अपने मातृभूमि की रक्षा करनी है, उसका सम्मान देना है, इज्जत देना, और इसी उद्देश्य से हम अपने मातृभूमि से ज़्यादा प्यारा तो दुनिया में कुछ हो नहीं सकता ना। एक वो होता है जो कहा जाता है जो खून का नहीं वो वतन का भी नहीं हो सकता है। हम जिस धर्म जिस मजहब में पैदा हुए हैं हम वहाँ के भी वफादार हैं और उस वतन के भी वफादार हैं, जिस वतन में पैदा हुए हैं ये हमारी मिट्टी है, हमारी अंतिम सांस इसी मिट्टी में, इसी भारत माँ के आंचल में पले हैं, बढ़े हैं, खेले हैं, कूदे हैं और इसी की गोद में सो जाएंगे, तो इससे बड़ा कोई चीज़ तो है नहीं मेरे लिए भारत माँ से। तो हम इसके स्वाभिमान के हर कीमत पर इसकी रक्षा करेंगे, इसके मान और सम्मान को बढ़ाएंगे। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो हमारे तिरंगे के शान को कम कर से, जो हमारे तिरंगे की तरफ आंखें दिखाएगा उनके सामने हम दीवार की तरह होंगे, हम उन्हें दुश्मनों की तरह देखेंगे। मैं ये भी कहता हूं कि हमारा कश्मीर के लोग, कश्मीर के भाई, मैं जानता हूं भारत में एक नए तरह का पॉलिटिक्स हो रहा है, कश्मीर में कुछ ऐसे पॉलिटिकल लोग हैं, ऐसे नेता हैं जो तिरंगा पर सवाल खड़ा करते हैं। सवाल ही नहीं है कि तिरंगा के सम्मान और स्वाभिमान पर कोई सवाल किया जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम खूने खून बहा सकते हैं लेकिन अपने तिरंगे से समझौता नहीं कर सकते हैं। इसलिए कश्मीर के लोगों से भी मेरी पूरी अपील है कि आप लोग हर घर झंडा फहराएं और ये जो बाजारीकरण है, पॉलिटिकल बाजारीकरण है, ये बंद हो, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल पैदा की जाती है, आर्टिफिशियल वातावरण पैदा करते हैं। जब ये हमारा हिंदुस्तान है, जब हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, तो हमारे सम्मान और स्वाभिमान से समझौता कैसे हो सकता है? कोई ये कैसे कह सकता है कि ये झंडा यहाँ ना फहराओ, वहाँ ना फहराओ? हर जगह देश के कण कण में, देश के हर कोने कोने में, हर आवाज़ में, हर आबो हवा में तिरंगा बसा है। और इसलिए मैं उन तमाम ऐसे जो कभी कभी न्यूज़ में सुनने को मिला है कि तिरंगा वहाँ फहराओ, वहाँ फहराओ, नहीं, हर जगह फहराओ। और कशास करके आज मेरा मैसेज कश्मीर के भाइयों से है, कश्मीर के लोगों को समझना होगा वो किस कौम कम्युनिटी और क्लास से आते हैं, इससे इसमें हमें कोई लेना देना नहीं, हम उन्हें नहीं जानना चाहते कि इस कौन, लेकिन पूरे कश्मीर में बढ़िया से झंडा फहराइए, आज़ादी के जश्न को खूब मनाइए और अपने वतन को वतन समझिए, आप हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की तरह, अपने राष्ट्र की तरह, अपने वतन की तरह देखिए। इसमें किसी भी तरह का कोई धार्मिक उन्माद, कोई धार्मिक भेदभाव मतलब कि नहीं आना चाहिए। तिरंगे में, तिरंगे को लेकर कभी भी राजनीति या ओछी तरह की जो राजनीति की जाती है वो नहीं होनी नहीं, चाहिए, बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। ये मेरा भावनात्मक लगाव है ना, भावनात्मक लगाव है। मेरी माँ चाहे जैसी हो, जिसमें हम उसके गोद में परवरिश किए हैं, हमारा मेरी माँ से भी दुनिया में कोई प्यारा हो सकता है क्या? जिस मेरी माँ जैसी भी हो, मेरे लिए वो अमृत है, अंबर है, दुनिया का स्वर्ग अगर कोई मिलता है तो माँ के आंचल में मिलता है, तो हम उस आंचल को कैसे भूल सकते हैं? भारत भी मेरी माँ है और इससे बड़ा स्वर्ग कहीं है ही नहीं। हम भूखे हैं, प्यासे हैं, आप देखेंगे जिस झंडे का स्लोगन आपने दिया है उसमें किसी के कपड़े बदन तन पे कपड़ा नहीं, किसी के पैर में चप्पल नहीं, किसी का कपड़ा ढीला है या बटन लगा नहीं, फिर भी एक जुनून है तिरंगा के प्रति। यही जुनून देशवासियों के लिए चाहिए और इसमें राजनीति ना हो, भेदभाव ना हो, हम तमाम हिंदुस्तानी हैं और हमें हिंदुस्तानी होने के शर्तों पर, हमने की भाव के मुद्दे पर, इन अर्थों पर ही हमें तिरंगा लहराना है और लगाना है। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर में ये सवाल है मेरा कि सरकार से भी आप अपील करना चाहते हैं कुछ, जो आपने भी कहा कि तिरंगे का सम्मान होना चाहिए, इस तरह की ऊंची राजनीति नहीं होनी चाहिए या कोई भी ऊंची तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे हमारे तिरंगे पर असर पड़े या फिर उसके उसका अपमान हो सके, थोड़ा सा भी ये बिल्कुल बर्दाश्त के फाजिल है, तो क्या ऐसे में आप सरकार से कोई अपील करना चाहते हैं? सरकार के स्तर पर तो कार्रवाई की ही जाएगी, जो अगर कोई तिरंगे का अपमान करेगा तो सरकारी स्तर पर उस पर कार्रवाई की, उसमें सरकार
सरकार से अपील करने के लिए का कोई जरूरत नहीं, वो हमारा सिस्टम है, उसको काम करना है। दूसरी बात क्या है कि मैं अब एक कदम और आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, हम एक कदम और आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं, राष्ट्रीय ध्वज सम्मान मंच का निर्माण करना चाहते हैं, राष्ट्रीय ध्वज सम्मान मंच का निर्माण करके इसको और आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम कैसे हो, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर कैसे हम अपने शहीदों को सम्मान देंगे, जिन लोगों ने भारत के प्रति वफादारी दिखाई है, भारत के प्रति जो उनका इतिहास रहा। कभी कभी हम छोटी मोटी फिल्मों को बना देते हैं जिस समय हम स्टोरी को ट्विस्ट कर देते हैं। इन तमाम चीज़ों पे नज़र भी रखना है कि कहीं ना कहीं हमारे फिल्मों को चलाने के लिए या छोटा सीरियल चलाने के लिए हमारे राष्ट्रीय सिद्धांतों से, आदर्शों से और इतिहासों से छेड़छाड़ ना किया जाए, इस पर गंभीर निगाहें रखना है। और इसी उद्देश्य से मैं अब राष्ट्रीय ध्वज सम्मान मंच का निर्माण करना चाहता हूं। राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर, प्रखंड स्तर पर हम ये निर्माण कर करके हम लोगों के अंदर जागरूकता बनाएंगे। हम किसी भी तरह से कंपल्सन में काम नहीं करेंगे, हम अपने मुल्क, अपने वतन की वफादारी को उसे बताएंगे, उसे एहसास कराएंगे और एहसास के स्तर पर हम तिरंगा को इस तरह से मनाएंगे कि दुनिया इसको एक एक आदर्श के रूप में देखे। और एक आदर्श के रूप में हमारा है, दुनिया में जितने भी झंडे बने हैं लेकिन उन झंडों में आप देखिएगा भारत का झंडा दुनिया के बेहतरीन झंडों में से है। इसका शाब्दिक अर्थ है, इतना इसका लॉजिकल अर्थ है, इसलिए ये सबसे प्यारा है और सबसे बेहतर नारा है और बेहतर झंडा है। और हम इन सभी भारतीयों को कहते हैं कि आप बिना किसी भेदभाव के आप तिरंगा झंडा फहराएं, तिरंगा झंडा लगाएं, तिरंगा झंडा पे कार्यक्रम करें, मिठाइयां बांटें और तिरंगा झंडा एक दूसरे को गिफ्ट भी करें। 13, 14, 15 अगस्त को अगर कहा जाता है तो आप संभव हो तो आप अपने घरों से गिफ्ट करने का काम करें, स्टॉल लगा के वितरण कार्यक्रम का करें कि कोई आदमी इन शर्तों पे अधूरा ना रहे कि मेरे पास 5 रुपए नहीं थे, मैं अपने घरों पे तिरंगा नहीं लगा सका। ये सब नहीं होना चाहिए। और मैं ये भी कहता हूँ, सरकार पर मेरा ये कार्यक्रम सरदार पर आर्थिक बोझ भी नहीं डालना था कि इतने करोड़ का सरकार वितरण करे, ये करे, वो करे, क्योंकि सिस्टम सरकार का कहीं ना कहीं फेल्यूर होगा तो हमारी बदनामी होगी। इसलिए हम इस जन जागरण अभियान को लेकर चलना चाहते हैं, लोगों से भावनात्मक अपील लेकर बढ़ना चाहते हैं कि आप लोग राष्ट्रीय सम्मान का जो विषय है वो हमारा राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र सर्वोपरि है और हमें इसकी आन बान और शान को बनाए रखना है और हर कीमत पे हमें इसको बना करके लेकर के आगे बढ़ना है। तो हर कीमत पर हमें इसको लेकर आगे बढ़ना है और किसी तरह की कोई चूक नहीं करनी है। और रियाजुद्दीन जी ने कहा कि आगे भी उनका बहुत सारा प्लान है, उनकी बहुत सारी योजनाएं हैं ताकि लोगों को भी जागरूक किया जा सके और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर कड़ी नज़र रखी जाएंगी ताकि हमारे सिद्धांतों से कोई खिलवाड़ ना कर सके। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, तमाम में बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रियाजुद्दीन। तो हर घरों पर लहरा दो तिरंगा प्यारा, ये स्वाभिमान हमारा, और इसी के साथ इस खास पेशकश में हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।